हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम आपके और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में जाने वाले हैं और आज उनके बेस्ट बिल्ड्स देखने वाले हैं। आज हम गेमर फ्लीट के वर्ल्ड में जाएंगे, आज हम टेक्नो गेमर्स के वर्ल्ड में जाएंगे, आज हम खतरनाक ईशान के वर्ल्ड में जाएंगे। तो यार ये वाली वीडियो वर्थ इट रहने वाली है, तो प्लीज वॉच इट फुल और बेस्ट पार्ट अपना कमेंट करके बताना। बाकी हम फटाफट किसके वर्ल्ड में पहले जाएंगे मुझे आइडिया नहीं है, बस मुझे ब्लॉक तोड़ना है और मैं स्पॉन हो जाऊंगा किसी के तो वर्ल्ड में। लेट्स गो। ओ भाई व्हाट यार, इतने तेजी से फेंका है भाई उधर से नीचे। ओ वेट, ये चीजें देख के मुझे कुछ तो याद आ रहा है गाइस, ये हमारा वर्ल्ड खतरनाक ईशान का है। अब गाइस मैं आपको ले चलता हूँ उनके खतरनाक बिल्ड की ओर। ये देख के आपको पता चल ही गया होगा इनका खतरनाक बिल्ड ये है। और बिल्ड है जो कि मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ, लेकिन आज की वाली वीडियो का खतरनाक बिल्ड यही है। और भाई क्या बात है, यहाँ पे एंट्रेंस बहुत खतरनाक बना रखी है। ओके, मुझे लगा यहाँ पे ऊपर जाने का बना नहीं रखा, लेकिन है यार। ओके गाइज, यहाँ पे आते ही हमको शायद यहाँ पे इनका एक बेडरूम है जो कि बढ़िया से सजा रखा है, और यहाँ पे चलते है। ओके तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ओ भाई यहाँ पे तो भाई तलवारें सजा के रखी है भाई, एक दे दो। हाँ किधर गई, अबे यार गायब हो गई। एनीवेज गाइस, यहाँ पे इनका वाटरफॉल लगा रखा है। यहाँ पे एक चिकन हुआ करती थी मुझे याद है, लेकिन वो अब नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। एक लाइक कर दो यार उसके लिए। एनीवेज यहाँ से हमको दिखता है इनका आयरन गोलम जो कि काफी क्रेजी लग रहा है, और यहाँ का व्यू बहुत खतरनाक है। और गाइस ये काफी क्रेजी लग रहा है जो इन्होंने बनाया है, मतलब बाहर से तो क्या ही ओपी लग रहा है ये। अबे नीचे नहीं कूदना था भाई। ये बिल्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, खतरनाक ईशान की दूसरी बढ़िया चीज इस वर्ल्ड में ये उनका पहला हाउस। भाई यार ये हाउस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, यहाँ पे इनके थोड़े बहुत घोड़े रखे हुए है। हेलो भाई कैसा है तू, सॉरी यार। एनीवेज हम यहाँ पे आ जाते हैं घर में, और यहाँ पे घर में इनकी चेस्ट में भाई माल ही माल दिखेगा, क्योंकि आपको पता है खतरनाक ईशान इज अ रिचेस्ट पर्सन। यहाँ नीचे इनका बेड है जो कि वाइट कलर का है। भाई मैंने अभी तक ब्लैक ही बेड देखे इनके वर्ल्ड में। ओके गाइज यहाँ पे मुझे उनका सीक्रेट कुछ मिला है। ओ गाइज ये खुल चुका है, और यहाँ पे इनका एक डॉगी है। हेलो 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 डॉगी, कैसा है तू। यहाँ पे उनका एक और एंचांटिंग टेबल है जिसको शायद से उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, बट यार गाइज ये इन्होंने मतलब सीक्रेट बनाया है। तो ये है इनका सेकंड फ्लोर, यहाँ पे कुछ काम खास हुआ नहीं। और ये भाई चलो भाई बाहर चलो, नेदर में एक बार जाके देखते ही है। ओके गाइज यहाँ का नेदर थोड़ा बहुत डरावना लग रहा है इस सेडर में, तो हम काम करेंगे यहाँ से मर के सेकंड वाले वर्ल्ड में चले गए। तो 3 2 1 लेट्स गो। अब हम रिस्पॉन दबाते ही किसी और वर्ल्ड में स्पॉन होने वाले हैं, लेट्स गो। ओके गाइज तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ गेमर फ्लीट के वर्ल्ड में। गेमर फ्लीट भैया का वर्ल्ड बहुत क्रेजी यार, मुझे पता है। बाकी यहाँ पे इनका ट्रेडिंग हाउस है, उसको इग्नोर मारो गाइज, क्योंकि हम इस वाली वीडियो में एक या दो ही बिल कवर करने वाले हैं। ओके गाइज आप सोच रहे होगे भाई नेदर में क्यों आ गया तू, तो द बेस्ट थिंग इज हियर गाइज, सबसे पहला और सबसे ब्यूटीफुल बिल गेमर फिट का यही है। भाई क्या ही क्रेजी बनाया है ये पूरा सॉर्ड, और ये फॉग इफेक्ट कुछ खतरनाक ही लग रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो ये इनका बेस्ट बिल्ड है इन हिज वर्ल्ड। यार गाइज ये फॉग इफेक्ट तो जादू है, क्या ही क्रेजी बिल्ड है। ओके गाइज तो ये भी काफी क्रेजी लगता है, डीमन हैंड। भाई इनका ये ट्री हाउस तो आपको पता ही होगा, सेकंड बिल्ड हमारा यही है। यहाँ पे इनका एंचांटिंग टेबल है, और ये रहा इनका मेन हाउस। भाई माल ही माल है। यहाँ पे एक हाथ मार देते पता चले कहीं मर गए वर गए, वैसे हम क्रिएटिव में मरे मरेंगे नहीं गाइस। यार ये छोटा सा काफी प्यारा लग रहा है, और इनकी ये सॉर्ड काफी डरावनी। ओके गाइस हमारी बारी आ चुकी है मर के सेकंड वर्ल्ड में जाने की, तो यहाँ से कैसे मरे यार, पिछली बार तो मर गए थे हम लावा से। बाकी हाँ मरने का ये मिल गया हमारा इंतजाम, मार ही दिया। रिस्पॉन करते ही हम किसी और के वर्ल्ड में स्पॉन होने वाले, और आपको पता है वो कौन है, वो द वन एंड ओनली टेक्नो गेमर्स। क्योंकि ओके गाइस जू और म्यूजियम देख के आपको पता चल गया होगा हम आ चुके हैं टेक्नो गेमर्स के वर्ल्ड में। इनका वर्ल्ड पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है, और हमारा सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट होने के बाद मैं इनके जैसा ही वर्ल्ड बनाने वाला हूँ। बाकी इनके वर्ल्ड का फर्स्ट बिल ये है जो इन्होंने रिसेंटली बनाया है, अब यार इसमें चल के देखते हैं। यहाँ से खूबसूरत एंट्री है इनकी, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कुछ ये सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ रखा नहीं है क्योंकि बिकॉज ये अभी अभी बना है यार। बाकी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे,
तो ये है उनका सेकंड फ्लोर और यहाँ पे चार चार टोटम तो ऐसे ही लगा रखे है। टेक्नो गेमर भी माइनक्राफ्ट में रीच है। बाकी यहाँ पे एक डायमंड गार्मर लगा रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हाथ मार देते हैं गाइस, पता चले इस पे मर गए, बाकी अभी कहीं पे स्पॉन नहीं होंगे क्योंकि वर्ल्ड खत्म हो गए। गाइस ये आ चुके हम टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे काफी बड़ी बालकनी बना के रखी है। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी लग रहा है। यहाँ से मस्त म्यूजियम दिख रहा है, यहाँ से प्यारा सा कासल दिख रहा है। अगर आपको कासल की डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, ये कासल कुछ ज्यादा ही ओपी है। बाकी गाइस आप कमेंट में बताओ ये आपको बिल्ड कैसा लगा। तो गाइस आज हम सेकंड चीज दिखाने वाले हैं, वो है ये म्यूजियम। ये कुछ ज्यादा ही ओपी है भाई, यहाँ पे हर तरह के मॉब आपको बंद मिल जाएंगे। क्या बात है, स्लाइम भाई, ये स्ट्राइडर, ये छुटकू भाई, बहुत सारा भाई। इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीजें बना के रखी है अपने वर्ल्ड में और ये म्यूजियम ओवरऑल बहुत क्रेजी लग रहा है। और गाइस यहाँ पे नीचे जाते ही हमको दिख जाते हैं ये, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया यार, एक सेकंड। अरे ओए पागल, इतना मारूं अगर अंदर आओ। ओए ओए भाई भाई, और यहाँ पे पता नहीं वार्डन कहाँ गया, बट वार्डन हुआ करता था।